कैन बी कंटिन्यू चलिए अच्छा व्हाट्स टाइटल गाइस सब सब्लीज अब डायग्राम से क्लियर है कि डायग्राम को पूरा दिमाग में डालो अकाउंटिंग इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड सब सब्लीज मतलब लेसर ने असेट किसको दिया सब लोग सेट हो जाए बातें कम कैन आई लेसर ने एसेट किसको दिया और लेसी ने यह एसेट किसको दे दिया सो लेसी ओरिजिनल लेसी विल बी नोन एज इंटरमीडिएट लेसर एंड द थर्ड अल्टीमेट पार्टी विल बी अगेन नोन एज लेसी मेन अग्रीमेंट विल बी नोन एज हेड लीज एंड द नेक्स्ट लीज विल बी नोन एज सब लीज पक्का सो अभी हम लोग जो मेन अकाउंटिंग सोच रहे हैं वो इसके बुक में सोच रहे हैं। और वो इसके बारे में बातें हो रही है इज दिस क्लियर पॉइंट नंबर वन आपके नोट्स में दट इंटरमीडिएट लेसर और द लेसी ऑफ द हेडलीज शुड अकाउंट फॉर हेडलीज एंड सबलीज सेपरेटली दोनों अलग अलग अकाउंट होंगे पॉइंट नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज

मुझे वो एक्सेप्शन को एंड करना पड़ेगा मतलब मुझे अपने बुक में आर ओ यू असेट बनाना पड़ेगा और मुझे अपने बुक में लीज लायबिलिटी भी बनाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट समझा मतलब पॉइंट नंबर वन कि लेसी के बुक में बिफोर ही सब लीज इज इट एक आर ओ यू असेट है और एक लीज लायबिलिटी है उसी के बाद सब लीज चालू हो सकता है क्लियर अनदर थिंग नाउ इज नाउ let's स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट वी आर an इंटरमीडिएट लेसर हमारे बुक में एक आर ओ यू असेट और हमारे बुक में एक लीज लाइब्रिटी ऑलरेडी है मतलब हेड लीज है अब हम किसके बारे में सोचेंगे लीज करने के बारे में सब लीज अब अगर मैं लीज कर रहा हूं तो डेट मीन्स कहने से आई एम लेसर है ना अब लेसर के बुक्स में अकाउंटिंग में क्या कहा गया

सब्सटैंशियल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट बट यहां पे तुम लोग ध्यान रखना कि इसके लीज टर्म को इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट से कंपेयर नहीं करना इसके लीज टर्म को तुम हेड लीज के लीज टर्म से कंपेयर करके अंडरस्टैंड करोगे कि ये फाइनेंस लीज है या नहीं है ना दोनों बंद तो है ही है ना हाँ ओके दैट्स आई एम सेंग ये तो चालू ही नहीं क्या तूने कल इतना प्लीज बोला था थैंक यू बोल अभी क्लियर फिर से एक बार सोचता है किसके बुक्स में सोच रहे हो अभी लेसी बोल दो बट लेसी नहीं है वो वो कौन है इंटरमीडिएट लेसर अब पहले यहां से ओरिजिनल लेसर ओरिजिनल लेसर को कहना है से ये लीज क्लासिफाई करना था ऑपरेटिंग इन फाइनेंस अब ये क्या सोचेगा मैं ये असेट कितने साल के लिए लीज पे दे रहा हूं अभी ये क्वेश्चन करके आए थे लैंड एंड बिल्डिंग वाला बिल्डिंग क्या इकोनॉमिक लाइफ कितना था ट्वेंटी अभी करके आया और कितने साल के लीज पे दिया 20. तो कहना से वी सेट दिस इज कौन सा लीज फाइनेंस लीज ठीक है जस्ट रीमॉडिफाइंग दैट क्वेश्चन अ लिटिल बिट लेट्स ए द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट इज ट्वेंटी ईयर और मैं उसे दस साल के लीज पे दे रहा हूँ तो ये एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का लाइफ ट्वेंटी इयर्स है और मैं उसे यहां पे दस साल के लीज पे दे रहा हूं कॉन्सेप्ट रहा है कौन सा लीज हुआ ये ऑपरेटिंग लीज हुआ अगेन कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स इन टू कैन ऐसे ऑपरेटिंग लीज हुआ किसने किसको दिया लेसर ने किसको दिया लेसी कौन से लीज पे दिया सो ये लेसर के लिए हुआ ऑपरेटिंग लीज अभी यहाँ पे लेसी के बुक में ये आ चुका है अच्छा क्या लेसी को सोचना ही ऑपरेटिंग लीज है या फिनेंस लीज है नहीं अब लेसी के बुक में वो स्कोप अवेलेबल ही नहीं है अब लेसी को सोचना क्या एग्जामेशन अवेलेबल या एग्जामेशन अवेलेबल अच्छा और अगर उसे सब लीज करना है तो एग्जाम्शन्स अवेलेबल हो तो भी वो एग्जामेशन्स नहीं ले सकता मतलब इसने अपने बुक में एक आर ओ यू असेट और एक लीज लायबिलिटी बना दिया डू यू अग्री विद ये लेसर लेसी लेसर बन रहा है और ये असेट को लीज पे दे रहा है एक और किसी लेसी को कॉन्सेप्ट समझा और ये आठ साल के सब लीज पे दे रहा है कितने साल के अब ये आठ साल को मैं किससे कंपेयर करू ट्वेंटी ईयर से कंपेयर करू या टेन ईयर से कंपेयर टेन ईयर से क्योंकि मेरे पास तो असेट दस साल दी है ना और दस साल से मैंने आपको कितने साल के लिए दे दिया इट एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंड आई वुड से दिस इज कौन सा लीज मतलब इन्होंने क्लियरली बोला है कि ये आठ को ना आप ट्वेंटी से कंपेयर नहीं करना ये आठ को आप टेन से कंपेयर करना कॉन्सेप्ट समझा नेक्स्ट वन दिस इज पॉइंट नंबर थ्री दैट आई गेव यू पॉइंट नंबर फोर अब अकाउंटिंग चालू करता है अब अकाउंटिंग चालू करते, करते वक्त दिमाग में एक चीज तो याद ही देना कि आपके बुक में आर ओ यू असेट नाम की चीज है और लीज लायबिलिटी क्रेडिट में है डू यू अग्री विद दैट वन किसके बुक्स में बात कर रहे हो आप लेसी द सो कॉल्ड इंटरमीडिएट लेसर अब मैंने असेट को लीज पे दिया जब मैं लीज दे रहा हूँ कैन एम रिक्वर्ड टू क्लासीफाइज फाइनेंस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज अगर मैंने इसे फाइनेंस लीज क्लासीफाई किया तो क्या करना पड़ेगा मेरे बुक में एंट्री क्या आएगा फाइनेंस लीज का किसके बुक्स में हो लेसी इंटरमीडिएट लेसर के बुक्स में हो आप सोचो एंट्री क्या बनाओ अभी सिखाया सुबह में आके ये कहिएस लीज ब्रैकेट में रिसीवेबल टू कौन सा अट आर निकल जाएगा आर ओ यू अट आया आर ओ यू अट चला गया मीन आई विल डी रेकग्नाइज दी आर ओ यू असेट आर यू असेट को कौन से वैल्यू पे डी रिक्नाइज करोगे उसके कैरिंग अमाउंट पे आर ओ यू असेट का पूरा अकाउंटिंग सीखा हम लोग ने लेसी के बुक में डेप्रिशिएशन चार्ज करना है जो वैल्यू पे बैठा होगा उस वैल्यू पे उसे डी रेकग्नाइज कर देंगे अच्छा ये डी रेकोगनाइज हो जाएगा बट ये नहीं भूलना कि लीज भूलनाटी कहीं नहीं जा रहा है इनफैक्ट यहां पे जब आर ओ यू असेट डी रेकग्नाइज करोगे तो यहां पे एक और फाइनेंस लीज हम लोग रेकोग्नाइज करेंगे ये रिसीवेबल बन जाएगा ये पेएबल बन जाएगा और वो दोनों अलग अलग रहेंगे अपने बुक्स में लीज लायबिलिटी किसके अगेंस्ट है किसको पे करना है कहना इसे ओरिजिनल लेसर को वो कहीं पे कट शॉट नहीं होगा वो नेट ऑफ नहीं होना है वो अलग अलग अकाउंटिंग होनी है इसीलिए फर्स्ट लाइन पे कहा इसका सेट ऑफ तो पॉसिबल मतलब ऐसा नहीं मेरे पास असेट आया मैंने तेरे को दे दिया अब ये काम कर तू उसको जाके पे कर देना और तुम लोग अपना समझ लेना नहीं भाई तुम बीच में हो मीन्स यू हैव टू सर्विस बोथ द पीपल सेपरेटली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू दैट ओरिजिनल पर्सन एंड यू हैव अ राइट टू रिसीव फ्रॉम दैट फाइनल पर्सन तो ये एक रिसीवेबल और ये एक पेएबल जस्ट मेरे बुक में आर ओ यू अ नहीं रहेगा कॉमन सेंस है पर अगर सामने लीज अब हम जो कर रहे हैं इज नॉट इज नॉट अ फाइनेंस लीज इज कौन सा लीज तो भाई ऑपरेटिंग लीज में कुछ क्रिएट ही नहीं करना होता तो कोई डी रिकग्निशन भी नहीं आएगा तो आपके बुक में आरओ यू असेट भी रहेगा आपके बुक में लीज लायबिलिटी भी रहेगा आप आरओ यू असेट पे डेप्रिशिएशन भी मारोगे सब कुछ आप करोगे तो सर हमने वो जो ऑपरेटिंग लीज पे दिया उसका क्या कुछ नहीं लीज पेमेंट्स लो और पीएनएल में डालो मतलब आपका एंट्री क्या आने वाला है वहां पे बैंक टू लीज पेमेंट्स बैंक टू लीज पेमेंट्स एंड लीज पेमेंट्स टू पीएनएल इट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर एसएलएम और एनी अदर वे इज दिस क्लियर दिस आर फाइव थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर कांट हैव अनदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी कवर्ड इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलरेडी कवर्ड इन द बुक्स ऑफ लेसी चिकास है एनी डाउट्स ऑन दैट चलिए हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 39 <coughs> Question number 39 lessee enters Entity ABC original lessee intermediate lesser leases the building for the building has economic life of 40 years entity ABC subleases the building for स हाउ दैड सबलीज बी क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ एनटीटी ए बी सी एन टीटी ए बी सी के बुक में इटवीज वाई फाइनेंस बिकॉज फोर ईयर्स विल बी कंपेयर विथ फाइव ईय ओरिजिनल बुक्स ऑफ लेसर ओरिजिनल लेसर के बुक में ये ऑपरेटिंग लीज होगा फोर्टी ईयर्स के अगेंस्ट खाली फाइव ईयर्स ओरिजिनल लेसर के बुक में ऑपरेटिंग लीज होगा बट मेरे पास कितने साल के लिए है फाइव ईयर्स और मेरे पास लेसी के पास गाइज ऑपरेटिंग फाइनेंस का कोई ऑप्शन ही नहीं है कैन आई से आर ओ यू असेट टू लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो चुका है अब मेरे पास ये असेट कितने साल का है पांच मतलब आई हैव राइट टू यूज द दसेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स फाइव ईयर्स उसमें से मैं कितने साल के लिए सब लीज कर रहा हूँ फोर ईयर्स दैट द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ इकोनॉमिक लाइफ विथ मी एंड द सब लीज विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज Answer in your books. Question number 39. As per the provisions of India's 116 on sublease, as per the provisions of India's 116, on the provision of sublease. On the provision of what? Sublease. Sub the sublease should be classified as. The sublease should be classified as. Finance lease. Bracket me 4 out of 5 years. 4 out of 5 years full stop next one question number 40 can i head lease an intermediate lesser enters into 5 year lease of 10000 square meter of office space head lease with entity xyz head lesser. Sub sublease at the beginning of year 3 please underline the word at the beginning of year 3 or first line pay head lease underline karo, 5 year lease सो द ओरिजिनल टर्म वॉज फाइव ईयरस दो साल ऑलरेडी हो चुके हैं एट द बिगनिंग ऑफ योर थ्री पे आप बात कर रहे हो द इंटरमीडिएट लेसर सब्लीज इज टेन थाउजेंड स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस फॉर द रिमेनिंग टर्म दैट इज थ्री ईयर ऑफ द हेड लीज टू द सब्ज गाइज कितने साल बाकी थे और कितने ईयर्स के लिए दे रहे हो थ्री सो कैन आई से डेफिनेटली दिस इज अ फाइनेंस लीज पूरा हंड्रेड परसेंट दे दिया आपने तो हाउ शुड द सेट सबलीज भी क्लासीफाइड एन अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ होम गाइज हैव लुक एट द क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर लेसर का मतलब ओरिजिनल लेसर मत लेना हा क्वेश्चन नंबर कौन सा गाइस फोर्टी हु इज द ओरिजिनल लेसर ओरिजिनल लेसर डेट्स वेग इज इट ओरिजिनल लेसर लेसर ये किसको दे रहा है लीज पे नाम कैसे नहीं है नाम ही नहीं है चलो सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर एम कौन है ये आर एम इंटरमीडिएट लेसर एंड आई वुड से स्लैश ओरिजिनल लेसी पूरा दिमाग चलना चाहिए ये बंदा है ना ये सोचेगा कि ये ऑपरेटिंग लीज है या ये फाइनेंस लीज है इस बंदे के पास ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है वन वन सिक्स के अंदर तो इसने एक एंट्री पास किया हुआ है आर ओ यू असेट टू लीज लाइबिलिटी अच्छा कितने साल का था फाइव इयर्स बट उसमें से दो साल तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमेनिंग थ्री इयर्स और अब वो रिमेनिंग थ्री इयर्स बचा था तब हम लोग अनदर एंटिटी को सब लीज कर रहे है ना अब कितने सालों के लिए सब लीज कर रहे हो थ्री इयर्स तो ये कौन सा लीज हो गया अभी हमारे बुक में so अभी हमें यहां पे पहले ऑपरेटिंग स्लैश फाइनेंस करना है अब हमने क्या डिसाइड कर लिया फाइनेंस तो फाइनेंस करोगे तो क्या करोगे अपने बुक में एंट्री फाइनेंस लीज ब्रैकेट में रिसीवेबल टू आर ओ यू एस आर ओ यू एसेट आया आर ओ यू एस एट चला गया कैन आई आई एम स्टिल रिक्वायर्ड टू सर्विस द लीज लाइबिलिटी एंड आई हैव अनदर रिसीवेबल इन माई बुक एंड दैट इज़ नोन एज कौन सा लीज फाइनेंस लीज चकास डायग्राम ड्रॉ करो सब ऐसे ही लिखो फिर मैं आंसर भी लिखाता हूँ I? Next, I note as noted from the above journal entries. As noted from the above journal entries, the intermediate lesser has derecognized ROU asset. Has de recognized ROU asset and is required to service <coughs> and is required to service the lease liability. Required to service what? Lease liability. lease liability. Full stop. Do we agree? Next one. Question number 48. Question number 41. Head lease. An intermediate lesser enters into five-year lease for 10,000 square meter of office space with entity XYZ. Exactly same question again. But khali first paragraph. Second paragraph change. At the commencement of the head lease. Please underline the word at the commencement of the head lease. एट द कमेंसमेंट मतलब अभी तक कोई पीरियड गया नहीं है हेड लीज कितने साल का है फाइव ईयर्स इंटर मतलब तभी का तभी इंसेप्शन पे ब इंटरमीडियट लेस सबलीज इज़ टेन थाउजेंड स्क्वायेर फीट ऑफ द ऑफिस स्पेस फॉर हाउ मीनी ईयर्स नाउ टू ईयर्स पहला पाँच साल था पाँच में से अभी मैं सिर्फ दो साल दे रहा हूँ क्या नहीं तीन साल इनफैक्ट और बचेगा उसके बाद एंड दे फोर द सबलीज विल भी क्लासीफाइड एज ऑपरेटिंग लीज और अगर ये ऑपरेटिंग लीज है ना गाइज तो ये वाला एंट्री पास नहीं होगा और यहां पे फाइनेंस लीज की जगह पे मैं क्या लिखूंगा ऑपरेटिंग लीज है ना और ऑपरेटिंग लीज होगा तो उसका तो जो इनकम आएगा वो डेफिनेटली जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड होगा सो आई विल कंटिन्यू टू हैव आर ओ यू असैट्स एंड लीज लाइबिलिटी इन माई बुक्स विथ रेफरेंस टू माई ओरिजिनल लीज क्लियर अगेन सेम कॉपिंग खाली लास्ट का आंसर बदल गया Next slide, note. Can I? As noted from the above journal entry, as noted from the above journal entry, the sublease is classified as operating lease. The sublease is classified as operating lease. And therefore, the intermediate lesser will continue to have and therefore the intermediate lesser will continue to have the ROU asset and lease liability.

Point number two is transition. On the next line, an entity shall apply in this 116. An entity shall apply in this 116. For annual reporting periods, For annual reporting periods beginning on or after beginning on or after first April, two thousand nineteen. Full stop on the next para. इंडेस वन वन नाइन इंडेक्स वन वन सिक्स प्रोवाइड्स वॉलेंटरी एग्जामेशन प्रोवाइड्स वॉलेंटरी एग्जामिशन किसका मोबाइल आ रहा है चेक करो भाई सब लोग अपना मोबाइल ले लो ना हाथ पे मतलब एक दूसरे का क्या देख रहा हो अपना मोबाइल लो हो गया कंटिन्यू क्या लिखा अभी हम लोग ने प्रोवाइड वॉलेंटियरी एग्जामेशन टू ट्रांजिशन वॉलेंटरी एग्जामिशन टू ट्रांजिशन दैट इज दे कैन ईदर फॉलो They can either follow next line one full retrospective approach, full retrospective approach, or next line two modified retrospective approach. मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर लिखेंगे ए अल्टरनेटिव वन अल्टरनेटिव वन के ब्रैकेट में लिखेंगे पार्शल रेट्रोस्पेक्टिव and second one alternative number 2 That is B. B is alternative two or alternative two के brackets में लिखेंगे prospective. Clear? अब ये transition समझने के लिए दो standard का basic होना चाहिए. सबसे पहला स्टैंडर्ड का जो बेसिक होना चाहिए दैट इज इन एस वन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड है वट इज दिस स्टैंडर्ड टेलिंग यू इस स्टैंडर्ड के अंदर का एक क्लॉज एंड द क्लॉज इज कंपेरेटिव क्लॉजेस कंपेरेटिव क्लॉज के वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेटिव बनाने के लिए वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वन टू थ्री फोर फाइव टू बैलेंस शीट दैट इज करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर प्रीवियस ईयर टू कैश फ्लो स्टेटमेंट्स करंट ईयर प्रीवियस ईयर टू स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन इक्विटी करंट ईयर प्रीवियस ईयर एंड रेलिवेंट नोट्स टू अकाउंट्स याद है ये और याद क्या ये तो करते ही हो बट ये याद होना चाहिए कि ये कौन बोला करने के लिए बेटा बैलेंस शीट दो क्यों बनाते हो आई सर बनाते क्यों? का फिगर्स क्यों दिखाने के लिए कहा गया है हाँ फिर देन द दे आंसर सर कंपेरिजन करने के लिए बेटा कौन बोला इंडेस वन अभी एग्जैक्टली क्लियर विद अच्छा इंडेस वन एक और चीज बोला है कि अगर किसी भी साल में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो क्या हो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कोई एडजस्टमेंट आ गया जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है तो क्या करना पड़ेगा तो तीन बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा अब आधे लोग तो सीरियसली रेट्रोस्पेक्टिव समझ ही नहीं पाते पता उन को लगता है रेट्रोस्पेक्टिव मतलब सर जिस साल से एरर हुआ ना उस साल से सब कुछ वापस क्वायर टू डू वन मोर बैलेंस शीट एंड वॉट इज दट वन मोर बैलेंस शीट इज प्रीवियस ईयर का ओपनिंग सोल नॉट है थ्री बैलेंस शीट कितना बैलेंस शीट थ्री आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट मतलब करंट ईयर क्लोजिंग प्रीवियस इयर क्लोजिंग प्रीवियस ईयर का ओपनिंग और अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यह बात कर रहा हूं अभी ये कौन सा ईयर चल रहा है अपना 1920 ना करंट ईयर कौन सा होगा मतलब करंट ईयर रिपोर्टिंग डेट कौन सा होगा थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी इसका कंपेरिटिव कौन सा होगा थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन और अगर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आया तो फर्स्ट एप्रिल एटीन सुज फर्स्ट एप्रिल एटीन इज रिफर्ड टू एज डेट ऑफ ट्रांजेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग नाइनटीन ट्वेंटी मतलब अब अंडरस्टैंडिंग ये है दट एनी टाइम बिफोर फर्स्ट एप्रिल एटीन अगर कहीं एरर हुआ है फर्स्ट एप्रिल एटीन लेट्स फर्स्ट अप्रिल फिफ्टीन पे एक एरर हो गया मुझसे एरर हो गया मुझसे एक असेट खरीदा था कैपिटलाइज करना चाहिए था मैंने उसे रेवेन्यू में चार्ज कर दिया नाउ आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई दिस आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई दिस ना वॉट इज हाउ विल यू रेक्टिफाई दिस इज सबसे पहले उसको पी एन एल अकाउंट से निकालेंगे कौन से पी एन एल अकाउंट से निकालेंगे फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और उसे कैपिटलाइज करोगे बट वी आर नॉट रिक्वायर टू चेंज द शीट ऑफ फिफ्टीन सिक्सटीन एन प्रेजेंट द पी एन एल अकाउंट ऑफ फिफ्टीन सिक्सटीन पूरा कंटिन्यूएशन करेंगे फिफ्टी सिक्सटीन में सर यह सेट आएगा क्या ना उसमें डेपरी भी चार्ज होने लगेगा तो फिफ्टीन सिक्सटीन का डेप्री सिक्सटीन सेवनटीन का डेप्री सेवनटीन एटीन का डेप्री और वन फोर एटीन में यह असेट कितना होना चाहिए था वो वैल्यू वो वैल्यू आप वन फोर एटीन के बैलेंस शीट में डालोगे सीधा एंड उसका सेकेंड इंपैक्ट सीधा कहां दे दोगे रिजर्व में मतलब ऑन वन फोर एटीन वन फोर फॉर एग्जाम्पल वन फोर फिफ्टीन में मैंने वो असेट को ट्वेंटी थाउजेंड में खरीदा था एंड इट हैड ऑफ लाइफ एंड आई प्रोवाइडिंग अ हैल एम सो ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई टेन ईयर इज इक्वल टू टू थाउजेंड मीन हर साल दो हजार का डेप्रीशिएशन चार्ज करना चाहिए था अंडरस्टैंड हो रहा है बरोबर से तो मुझे वन फोर फिफ्टीन से बैलेंस शीट वापस नहीं बनाना है स्टैंडर्ड ने कहा है आपको अब भी पता चला इस साल में पता चला ना वो एरर, तो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट थर्टी फर्स्ट मार्च आता है उसका कंपेरेटिव थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन आता है उसका ओपनिंग वन फोर एटीन आता है 1415 को असेट आया 20,000 का लेस डेप्रीशियेसन 2,000। 1416 को असेट का वैल्यू आया 18, वापस 2,000 का डेप्रीशियेसन 1417 को असेट का वैल्यू आया 16, वापस एक बार डेप्रीशियेशन एंड 1418 को असेट का वैल्यू आया 14। सो so 1418 को एक बैलेंस शीट के अंदर असेट डाल दूंगा जो असेट था नहीं डालना चाहिए था कितने में डालूंगा फोरटीन बट भाई ऐसे ही थोड़ी उठा के कुछ डाल सकते अंदर। हो अंदर बैलेंस शीट टैली कहां से होगा तो इसका सेकेंड इंपैक्ट कहां पे आना चाहिए रिजर्व कॉन्सेप्ट समझा दिस इज नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन गॉट इट समझा ना अच्छा अब तुम्हें एक और स्टैंडर्ड आना चाहिए एंड दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज इंडेस वन जीरो वन इंडेस वन जीरो वन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस या तो आप पहले ए एस फॉलो कर रहे थे अब आप इंडेस yes. में आ गए क्यों हो सकता है ऐसे पहले आप अनलिस्टेड कंपनी थे लिस्ट करा रहे हो तो इंडेस ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल पहले आप उसके थ्रेश होल्ड लिमिट्स में नहीं थे थ्रेशोल्ड लिमिट्स पढ़े अगेन थ्री स्टेजेस स्टेज नंबर वन वॉल्टियरी स्टेज नंबर टू वॉलेंटियरी स्टेज नंबर थ्री कंपलसरी स्टेज वन वॉलेंटरी स्टेज टू एंड थ्री आर कंपल्सरी बट वे गेट दट एग्जामेशन एंड ऑल से एक थ्रेश लिमिट है मैं वो स्टांडर्ड के नंबर्स भी कोट नहीं कर रहा हूँ कि ये लिमिट अगर आपने क्रॉस कर दी तो आपको इंडे एस फॉलो करना है वरना आप क्या फॉलो कर रहे हो अभी भी ए एस और फर्स्ट दिन से बोल रहा हूँ दिमाग में ये डालना भी नहीं कि ए एस निकल रहा है और इंडीएस आ रहा है ए एस बी चलेगा इंडियास भी चलेगा सो so, आप पहले ए एस फॉलो कर रहे थे अभी आप इंडेस के पिक्चर में आ गए तो भाई अभी हमें इंडेस करना है तो इंडेस करते वक्त इतनी दुनिया भर की चीजों में जहां पे ए एस अप्लाई हो रहा था अब वो सब पे क्या अप्लाई होने लगेगा इंडेस तो हमने क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम इंडेस पे जा रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टैंडर्ड बहुत अच्छे है पर सला अभी तक हम लोग जो ए एस कर रहे थे उसका क्या क्या हमको सब कुछ जाके रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा इंडेस डोंट वारी आई गिव यू एग्जामेशन एंड आई एम आई एम टीचिंग यू इंडेस वन जीरो गिव यू सर्टन तो हमने बोला कौन से कौन से तो so, बोला बहुत बड़ा डिस्कशन है चलो एक काम करो स्टैंडर्ड बना दो इंडेस वन जीरो वन बना दिया सो इंडेस वन जीरो वन स्टैंड फॉर फर्स्ट टाइम अब फर्स्ट टाइम अडोप्शन के अंदर सारी एग्जामेशन लिस्ट है कि भाई किस पे हमें रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करना है अच्छा और उन्होंने उस एग्जामिशन लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया दो पार्ट में फर्स्ट पार्ट कंपलसरी एग्जामिशन एंड सेकेंड पार्ट वॉलेंटियरी एग्जामिशन बट लिस्ट एग्जामिशन है मतलब लिस्ट इज नॉट नेगेटिव इन द सेंस कि नहीं यहां पे तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव वो, वो, उसकी बात ही नहीं कर रहा है वो क्या बोल रहा है डी फैक्टो रेट्रोस्पेक्टिव पर फिर इंडिया वन जीरो वन में जाओ पूरा एक लिस्ट पढ़ो कहां पे एग्जामेशन अवेलेबल है और दो सेट ऑफ एग्जामेशन अवेलेबल है पहला एग्जामेशन कौन सा कंपल्सरी कंपल्सरी एग्जामेशन का मतलब क्या कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव करना ही नहीं आपको प्रोस्पेक्टिव ही करना है नहीं सर मेरे को रेट्रोस्पेक्टिव करना है मेरा दिमाग बहुत अच्छा है सर मेरे को सारे कैलकुलेशंस आते हैं आई नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड तो बेटा घर पे रख यहां पे आपको रेट्रोस्पेक्टिव करना नहीं है आपको प्रोस्पेक्टिव ही करना है दैट इज लिस्ट नंबर वन समझा एंड लिस्ट नंबर टू कौन सा वॉल्टियरी एग्जामिशन वॉलिटरी एग्जामिशन मतलब प्रोस्पेक्टिव कर सकते हो ड यहां पर दिमाग दिखाओ अपना इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द कैल्कुलेक्टिव एंड इंटू द इफेक्ट प्लीज गो हेड कॉन्सेप्ट समझा हां बट यहां पर बंदा बोल सकता सर ना क्यों पागलपंथी करवा रहे हो मुझे मेरे को नहीं करना है सर और थोड़े लोग आर मेरे को तो आता ही नहीं बोलो अभी क्या करूं तो मेरा वैसे ही वॉलेंटियर था मत कर क्या कर ले तू प्रोस्पेक्टिव आ वी क्लियर विद इज वन जीरो आई वॉज रिफरिंग टू सम ऑफ द पीपल एंड आई वोज सेलिंग यू वन जीरो वन क्लास में नहीं कराऊंगा एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा आल गिव इट टू यू ऑल वन जीरो वन सीरियसली मैं पढ़ाने बैठू प्रैक्टिकली ना तो वो हर एक लिस्ट के आइटम्स को लेने बैठे तो दस लेक्चर और बट वो लिस्ट रेडी है अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में बाहार्ट नहीं करना है सो फॉर मी दिस इज नॉट यू नो काइंड ऑफ़ अ थिंग दैट आई हैव टू टीच यू भाई तुमको जबी आना पड़े फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में तो वन जीरो कंपलसरी एग्जामिशन है कौन सा वॉल्टियरी एग्जामेशन है अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड है 103. अच्छा वन जीरो थ्री इज बिजनेस कॉम्बिनेशन उसका इक्विवेलेंट एएस कौन सा है फोर्टीन अकाउंटिंग फॉर अमाल जस्ट ए थिंकिंग हम एएस कर रहे हैं ए चल रहा है हमने किसी कंपनी का सिक्सटी परसेंट उठा लिया इज इन एएस फोर्टीन अप्लीकेबल नो नो, यू कांट अकाउंट एज पर फोर्टीन बिकॉज वहां पे ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था कि हम कंपनी का सिक्सटी परसेंट उठाए तो हमें क्या करना वहां पे तो कंपनी उठा लो और सामने वाला कंपनी लिक्विडेशन में जाना चाहिए बस यही सीखा है पीसीसी -सी में आपने That you have to start your new company and that old company has to liquidate, liquidate close तो अमाल कमीशन लगता है अच्छा मैं तो खाली 60% परसेंट उठाया उस कंपनी का अगर मैंने खाली 60% परसेंट उठाया उस कंपनी का तो मैंने अमाल कमीशन लगाया ही नहीं है तो मैंने क्या एंट्री पास किया होगा इन्वेस्टमेंट टू बैंक मतलब मेरे बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट इन एबीसी दिखेगा बस समझा की नहीं आपको अच्छा और अब हम ए एस से भाई इंडेस में आ गए एंड इंडेस इज वन जीरो थ्री अप्लीकेबल कौन सा अप्लीकेबिलिटी वन जीरो वन जीरो थ्री तो सेट की कंपनी का सिक्सटी परसेंट उठाया दैट मींस यू गट द कंट्रोल ओवर द कंपनी यू शुड हैव गॉन फॉर वन जीरो थ्री कैलकुलेटेड गुडविल पास द जर्नल एंट्री एवरीथिंग एज पर वन जीरो थ्री बिजनेस एक्विजिशन आपका एंट्री पास होना चाहिए था असेट्स अकाउंट डेबिट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कंसिडरेशन टू एन सी आई हा ना तो हमने पूछा आप क्या कर रहे हो उसको तो इंडेस वन जीरो वन ने कहा कि वन जीरो थ्री एक्सेप्शन वॉलेंटरी लिस्ट में है एक्सेप्शन वट इज एक्सेप्शन वॉलेंटियरी लिस्ट आज एंट्री पास कर लो अच्छा स्टैंडर्ड ये नहीं बोलता फॉलो नहीं करो हा भाई ए एस में अप्लाई नहीं किया इंडिया में बिजनेस कॉम्बिनेशन अप्लाई तो करना ही है पर सर कब से करे वॉलेंटियरी एग्जामेशन वॉट इज वॉलेंटियरी एग्जामेशन तुम्हारा मर्जी है तो जिस दिन हुआ था उस दिन एंट्री रिकॉर्ड करके सब लेके आओ दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव या तो फिर अगर तुमको ये सब मचमच -मच नहीं करना है तो आज पास कर लो एंट्री एंड दैट इज द लॉर्ड ऑफ डिफरेंस और ये स्टैंडर्ड इवोक करने का दिमाग ही ये था कि आपको दिमाग चलना चाहिए मैं क्या डिफरेंस क्रिएट करने की बात कर रहा हूं अगर वो एक्विजिशन पांच साल पहले हुआ है पांच साल पहले ये असेट का फेयर वैल्यू कितना होगा बिकॉज ऑल असर्ट एंड रिकॉर्डेड एट उसके बाद उस पर ये वो सबसीक्वेंट मेजरमेंट एवरी थिंग अप्लीकेबल पांच साल तो सानी ने बोला यार बहुत है मत करो इतना तुम आता है तुमको तो भी मत करो पर कंपलसरी नहीं बोला थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग नहीं हमको करना है प्लीज करो इसको कौन से लिस्ट में डाला वॉलेंटरी एग्जामिशन में डाला कंपलसरी एग्जामिशन में नहीं डाला मतलब वॉलेंटरी एग्जामिशन मतलब रेट्रोस्पेक्टिव करना है वेरी गुड एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू प्रस्पेक्टिव करना है वेरी गुड आई एम नॉट स्टैंडिंग बिहाइंड यू बिकॉज नॉट नीड मी दोनो अलाउड सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग वॉट इज वॉलिटियर एग्जामिशन एंड वॉट इज कंपल्सरी एग्जामेशन समझा कि नहीं दैट इज वन जीरो वन कितने लिस्ट पहला कंपल्सरी क्या एग्जैम्शन मतलब क्या के रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करने का एंड सेकेंड वन इज नोन एज वॉलेंटरी एग्जामिशन मतलब रेट्रोस्पेक्टिव भी कर सकते हो प्रोस्पेक्टिव भी कर सकते हो कॉन्सेप्ट समझा अब एक्चुअली ये वर्ड ट्रांजिशन सिर्फ इंडेस 116 को अप्लीकेबल नहीं होता इट इज अप्लीकेबल ऑन एवरी डैम स्टैंडर्ड एवरी मतलब हर एक स्टैंडर्ड के पीछे ट्रांजिशन बट क्या किया पता है हम लोग ने हर एक चैप्टर के पीछे ट्रांजिशन पढ़ा ही नहीं बिकॉज वो सारे ट्रांजिशन को उठा के कहा जमा कर दिया वन जीरो वन में समझा ना पर वन जीरो वन बनने के बाद वन वन सिक्स बना तो वन वन सिक्स ने खुद का ट्रांजिशन बताया जो धीरे-धीरे यहां से निकल के 101 में चला ही जाएगा बट जब 101 अमेंड होगा सो so देन 101 हैज टू बी अमेंडेड टू इंक्लूड 116 बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट देर, सो 116 इज नॉट देर इन द लिस्ट ऑफ 101 इसके लिए 116 का ट्रांजिशन अलग से पढ़ा रहा हूं मैं आपको अच्छा और क्या बोला वन वन सिक्स ने मेरा ट्रांजिशन कैसे कहां पे है मैं कंपलसरी एग्जामिशन में हूं कि मैं वॉल्टियर एग्जामिशन में हूं तो स्टैंडर्ड ने बोला वॉलेंटियमशन में हूं कहां पे हो अच्छा वॉलंटियरी एग्जामिशन का मतलब आपको रेट्रोस्पेक्टिव करना है प्लीज गो हैड आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू गुड आई लव यू बिकॉज तुम मेहनत कर रहे हो तुम पांच साल पीछे जाओगे सब अकाउंटिंग सीखोगे वापस समझा कि नहीं? अच्छा नहीं करना है तो गुड गो अहेड मेरा काम हो गया खत्म आई बट इसमें इन लोगों को थोड़ा और मस्ती सूझा इसके लिए यू रीड योर टाइटल वेरी वेल आई द फर्स्ट थिंग हैव टोल्ड यू फुल रेट्रोस्पेक्टिव एंड हैव टोल्ड यू मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर दो अल्टरनेटिव कौन सा अल्टरनेटिव नंबर वन एंड सेकेंड वन मतलब मैंने पहले बोला देखो फुल रेट्रोस्पेक्टिव कर लो फुल रेट्रोस्पेक्टिव मजा आएगा सर बहुत मेहनत है सर क्या करवा रहे हो तो बेटा ट्राई करना पार्शियल करना सो आई एम क्रिएटिंग वन मिडल पॉइंट पहला कौन सा फुल दूसरा कौन सा प्रोस्पेक्टिव सो आइडिया कहता है कि भाई

फुल रेट्रोस्पेक्टिव सेकेंड कौन सा पार्शियल रेट्रोस्पेक्टिव तीसरा कौन सा प्रोस्पेक्टिव और तीनों लर्न करना पड़ेगा हमें बिकॉज एज पर वन वन सिक्स इज अंडर विच लिस्ट विच लिस्ट दिस इज अंडर अगर ये कंपल्सरी एग्जामेशन में होता ना तो हम लोग फुल रेट्रोस्पेक्टिव पढ़ते ही नहीं क्लियर